ये छोटे छोटे बच्चे भी अपना बॉल खेल रहे हैं अपने हाथों में लेकर, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बास्केटबॉल ग्राउंड में बॉल खेल रहे हैं और वो बास्केट में डाल रहे हैं। ये देखिए, ये डाला लेकिन पता नहीं बॉल है, और सब सिंगल ही खेल रहे हैं। कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई बॉल खेल रहा है, सबका अपना अपना बॉल है। वाला घंटी बजा रहा है, कूड़ा लेने आया है। ये मास्क हटाने का मन कर रहा है। माय गॉड, कितनी सुंदर हवा चल रही है। बाहर हूँ मैं, टहल रही थी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है घर जाए ही नहीं, बस यहीं पर रह जाए। घर जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। क्या बनाऊं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। रोज का यही काम है, सुबह उठो तो शाम के विषय में सोचो, शाम को खाना बना रही हूँ तो सुबह के विषय में सोचती हूँ कि सुबह क्या बनाऊंगी, और सुबह होती है तो शाम के विषय में सोचती हूँ कि क्या बनाऊंगी। बड़ी टेंशन रहती है यार। बच्चों से पूछती हूँ क्या खाएंगे, वो बच्चों क्या खाओगे खाने में, दाल चावल। बेटा कह रहा है दाल चावल, और तुम क्या खाओगी? कुछ भी। वो कह रही है कुछ भी बना लो, तो दाल चावल तो कॉमन है, वो तो बनना ही बनना है। हमारा बेटा दाल चावल ही खाता है। बड़े मुश्किल में उसे बैठा के बोलो कि दो रोटियां खानी है, तब जाके वो दो रोटी खाएगा, वो भी सब्जी बहुत थोड़ी सी लगा। अभी मैंने क्या किया, ये चावल भिगो दिए हैं, तो ये दो केले लाई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि इसकी सब्जी बना लूँ। केले की सब्जी बहुत पसंद आती है सबको, लेकिन हमारे यहाँ मेरा बेटा नहीं खाता। बेटी तो खा लेती है, और तीन लोग हैं, बच्चे लोग सब्जी बहुत कम खाते हैं, तो मैं खाऊंगी, बेटी खाएगी, तो दो लोग के लिए सब्जी हो जाएगी। दो केले में चावल दाल, तो यही तीन चीज़ है। तो गाइस, ये हमारी केले की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। वाह रे भगवान, क्या पेट दिया है, जो कभी भरता ही नहीं है। सुबह खा लो तो शाम की टेंशन, शाम खा लो तो सुबह की टेंशन। ये पेट है ना, खाली ही रहता हमेशा, कभी भरता नहीं है। चाहे कितना भी डाल दो, एक दो चार घंटे के बाद वापस उसे भूख लगनी है। और जब खाना उसने खा लिया है, पेट भर गया है, तो उसे अन्य चीज़ों की भूख लग जाती है। अन्य चीज़ें में से जानते हैं, जैसे घूमना फिरना, शॉपिंग करना, और ना जाने क्या क्या। ये जो पेट है, पेट की भूख खाना बुझाता है, और हमारे और भी आवश्यकता है, आँखों की आवश्यकता है कि वो आँखें कुछ अच्छा देखना चाहती है, मुंह कुछ अच्छा खाना चाहता है, कान कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, और नाक कुछ अच्छा स्मेल करना चाहती है, सूंघना चाहती है। और ये हमारा जो शरीर है, जिस पे मैंने कपड़े पहन रखे हैं, इसकी भी अपनी डिमांड है। सुंदर दिखना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, ऐसो आराम चाहिए। बाप रे बाप, जिंदगी में कितनी सारी चीज़ें करनी होती हैं। गरीब आदमी, वो बेचारा सिर्फ पेट भरने के लिए रोटी इकट्ठी कर पाता है, तो उसके पास इतना ही पैसा है, तो वो अपना संतुष्ट हो जाता है कि उसने अच्छे से अच्छे खाना खा लिया, संतुष्ट हो गया। उससे थोड़ा ऊपर बढ़िए, मध्यम वर्ग के लोग, उनकी आवश्यकताएं होती हैं गाड़ी में घूमना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, शॉपिंग करना, तो ये सारी चीज़। और उससे ऊपर हाई लेवल की बात करो, तो हाई लेवल के परिवारों की अपने ही शौक़ होते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां अटेंड करना, बड़े बड़े लोगों से मिलना, देश विदेश घूमना, जैसा पैसा वैसे शौक। ज़िंदगी में क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ हम सिर्फ इस शरीर की डिमांड पूरी करते रहते हैं जिंदगी भर। इस
शरीर की डिमांड कभी पूरी नहीं होती, एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ लगी रहती है। जैसे मान लीजिए हमने साड़ी खरीदी, तो जब हम साड़ी खरीदते हैं तो उसके साथ साड़ी के साथ ब्लाउज भी चाहिए, पेटीकोट भी चाहिए और उसका फॉल भी चाहिए। हर चीज़ का एक ही पंडा, एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक अपनी आवश्यकता लेके आती है और हम जिंदगी भर उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहते हैं मरते दम तक। जब हम बच्चे थे नो प्रॉब्लम, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खा रहे हैं, मस्त है। माँ बाप ने बोला बच्चे पढ़ाई करनी है, हम स्कूल चले गए, स्कूल में टाइम स्पेंड किया, घर चले आए और घर के बाद नो प्रॉब्लम सो जाना है, फिर सुबह पढ़ना है, मतलब कोई टेंशन नहीं है। थोड़े और बड़े हो जाते हैं, इंटर के बाद ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद माँ बाप बोलेंगे कि अब तो जॉब चाहिए, अगर जॉब नहीं है तो शादी कर लो, शादी कर ली है तो फिर बच्चे हैं, उनको बच्चे भी चाहिए कि नहीं नहीं बच्चे होने चाहिए, बच्चे हैं तो बच्चों की आवश्यकताएँ। इस तरह से ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। जब तक इंसान जिंदा रहेगा धरती पे, उसके साथ एक न एक चीज़ जुड़ी रहेंगी और यही चीज़ें इंसान को जिंदा रहने के लिए एक जिंदा रहने के लिए एक के क्या कहते हैं, अरे याद नहीं आ रहा यार, जिंदा रहने का एक मकसद देते हैं, जिंदा रहने का एक रूप देते हैं कि पहले हम बच्चे थे तो माँ बाप से हम जुड़े थे, वो हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर रहे थे, जब हम बड़े हो गए तो हमारे बच्चे हो गए, हम उनकी आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं। तो यही चीज़ें एक दूसरे से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं और हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है और हमें जीने के मकसद मिलते रहते हैं। सो बस हम इसी हिड़बुन में, इसी बुने हुए जाल में घूमते रहते हैं, इसको कहते हैं जीवन चक्र। तो बस कभी दुख कभी सुख, बस यही है जीवन चक्र। तो हम सब वही काम कर रहे हैं, सुबह उठना है, खाना बनाना है, खाना है, पीना है, स्कूल जाना है, पढ़ाना है, लिखाना है, शाम हो जाना है, सो जाना है, अगले दिन फिर से यही सारी चीज़ें करनी है। कभी मौका मिला सैटरडे संडे तो हम घूम आए, शादियाँ पार्टियाँ कर ली, वह रे ज़िंदगी, ऊपर वाले क्या ज़िंदगी दी है तूने, इस ज़िंदगी को देने के लिए धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।